जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग एम्पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में बात इसलिए होगी क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लगातार रॉकेट बना हुआ है, जिनका इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट नहीं है। और चूंकि अभी इस स्टॉक में ये स्टॉक ESM के कैटेगरी में चल रहा है, तो नया बाई भी लोग नहीं कर पा रहे, तो वो अपने आप को मतलब एक होता है ना स्टॉक मार्केट में फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, फोमो के नाम से जानते हैं, तो वो अपने आप को फोमो जैसा महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है यदि वो भी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। क्योंकि अब देखिए, यदि अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो आपको समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि इसमें गलती से भी लोअर सर्किट लग गया, हालांकि उसके लगने के चांसेस कम है, तो फिर आप भी फंस जाएंगे। तो ओवरऑल इस स्टॉक में करना क्या है, जिनके पास इसमें स्टॉक है, जिसके पास नहीं है, जो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में रणनीति रहेगी। लेकिन इससे पहले आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं BSE इंडिया की वेबसाइट पर। वहां पर मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं, फिर हम लोग आएंगे स्क्रीन के वेबसाइट पर और एम्पावर इंडिया लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग आ गए हैं BSE इंडिया की वेबसाइट पर, और BSE इंडिया की वेबसाइट पर यदि आप देखेंगे एम्पावर इंडिया लिमिटेड को, तो आप पाएंगे कि ये स्टॉक अभी ESM की कैटेगरी में है। और जब ये स्टॉक ESM की कैटेगरी में होता है ना, तो उसमें ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि आप इसमें नया बाई सेल नहीं कर पाते हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे ये स्टॉक आज भी इसमें अपर सर्किट लगते हुए दिखा है, 4 जनवरी के दिन भी, और अपर सर्किट लगता है, और जिसके पास पहले से उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता उन्हें बहुत तकलीफ होता है कि स्टॉक में लगता है इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन हम इसे बाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए सही समय पर किसी स्टॉक में एंट्री लेना काफी जरूरी होता है। अब ये समझिए कि आपके पास इसमें स्टॉक नहीं है, तो आप कैसे इसमें नया एंट्री ले सकते हैं। देखिए, कोई भी स्टॉक जब ESM की कैटेगरी में या GSM की कैटेगरी में होता है, या वह स्टॉक अपर सर्किट में भी चल रहा हो, तो सामान्यतः मंडे के दिन हर एक सप्ताह में एक दिन उसमें ट्रेडिंग जरूर होती है। मंडे के दिन आप इसमें ट्राई कर सकते हैं इस स्टॉक को बाई करने के लिए या सेल करने के लिए। इसमें क्या कीजिएगा, आप प्री मार्केट में ही, मार्केट ओपन होने से पहले ही, इसमें आप पेंडिंग ऑर्डर लगाकर छोड़ दीजिएगा मार्केट ऑर्डर पे, और जैसे मार्केट ओपन होगा आपका जो शेयर्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे आप बाई के लिए लगाए हों या फिर सेल के लिए लगाए हों। एम्पावर इंडिया लिमिटेड में आपका इन्वेस्टमेंट होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लंबी अवधि में निवेश के लिए भी ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एम्पावर इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो लंबी अवधि में निवेश के लिए बढ़िया है, क्योंकि एक तो ये जो कंपनी काम करती है वो IT सेक्टर से बिलोंग करती है, और IT सेक्टर का भविष्य आपको पता है कि IT सेक्टर में काम करते हैं बेसिकली, उसमें उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बताया था, तो आपको पता है कि IT सेक्टर का बोलबाला हमेशा और हर समय रहेगा, इसलिए इस काम के हिसाब से तो कंपनी इंपॉर्टेंट है ही। यदि फंडामेंटल देखेंगे तो फंडामेंटल के हिसाब से भी कंपनी काफ़ी मजबूत नजर आती है। मार्केट का थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, 200 करोड़ के आसपास है। देखिए, चूंकि शेयर का प्राइस काफ़ी बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो कंपनी का स्टॉक का PE काफ़ी बढ़ा हुआ है। शेयर प्राइस आपको देखेंगे 1 रुपये के आसपास, सॉरी 1 रुपये 71 पैसे के आसपास दिखेगा, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और ROC है, यह भी आपको मतलब माइनस में नहीं है, 1% से भले कम है लेकिन माइनस में नहीं, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ कमा कर दे ही देगी, इतना दमखम ये स्टॉक रखता है। तो जो कंपनी का काम है, जो कंपनी का फंडामेंटल है, उसके हिसाब से यदि हम लोग समझें तो इसका डिमांड और फ्यूचर में भी रहेगा, और अभी तो खैर है ही। अब चलिए सीधे टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं और आपको बताते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस और अधिक कहां तक जा सकता है। सबसे मेन सवाल ये है आज की वीडियो में कि ये जो स्टॉक का प्राइस अब लगातार देख रहे, लगातार रॉकेट बना हुआ है, कितना ऊपर जा सकता है। तो देखिए, इस स्टॉक ने अभी तक सिर्फ 2 ही बार अपना सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है, एक यहाँ पे और एक दूसरा एक यहाँ पे। ये जो लेवल था तकरीबन 20 पैसे का लेवल था, फिर ये जो लेवल आया 1 रुपये का लेवल आया, और इसके बाद जो अब फिर यहाँ से देखेंगे तो 80 पॉइंट बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 पॉइंट बढ़ने के बाद फिर इसके बाद जो 2 रुपये का लेवल आएगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ के जब 2 रुपये के आसपास जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब रुकावट आएगा, 2 रुपये के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा, और 2 रुपये से यहाँ पर प्राइस पहुँचने के बाद यहाँ से फिर प्राइस थोड़ा सा रजिस्टर करके नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऐसे यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर यहाँ से प्राइस ऊपर उठेगा, यानी कि जो ये प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 2 रुपये के आसपास जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर पुल बैक मार के ऊपर उठेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया मंडे के दिन आपको ट्राई कीजिएगा, मंडे के दिन जैसे ही इस मतलब अभी नहीं, जब इस स्टॉक का प्राइस 2 रुपये से थोड़ा रजिस्टर करके नीचे आने लगे, 2 रुपये से टकराने के बाद थोड़ा सा जैसे नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद जब ऊपर उठने लगेगा, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट किसी भी कीमत पर कर लीजिएगा, क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस अभी और ऊपर जाएगा। और यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तब तो फिर आपको वो सोचना ही नहीं है, लंबी अवधि में ये स्टॉक और भी आपको मालामाल करेगा ही करेगा। यदि हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट को समझें, तो आप पाएंगे कि बैलेंस शीट में कंपनी के पास जो डेब्ट होता है ना, जिसको कर्जा कहते हैं, बिल्कुल कर्जा नहीं है। देखिए, कंपनी एकदम डेब्ट फ्री कंपनी है, जो भी कर्जा था 2020 में ही
कंपनी ने निपटा दिया और उसके बाद से अभी तक कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है। हालांकि कंपनी के पास रिजर्व पैसा जरूर है, रिजर्व का होना बहुत जरूरी है। कंपनी के पास कैश फ्लो है तकरीबन 177 करोड़ के आसपास और कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल जो शेयर्स के रूप में कैपिटल है वो भी देखेंगे 116 करोड़ के आसपास है। यानी कि ओवरऑल ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ये कंपनी का फंडामेंटल बढ़िया है और जो कंपनी काम करती है उसके हिसाब से भी कंपनी का जब हम फ्यूचरिस्टिक देखते हैं तो काफ़ी मजबूत स्टॉक नजर आता है। लंबी अवधि में निवेश के हिसाब से एम्पावर इंडिया लिमिटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।